इंडियन रियलिटी टेलीविजन के सबसे पॉपुलर शोज में से एक था ये शो, लेकिन फिर भी इस शो का सेकंड सीजन नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2005 पे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आए शो फेम गुरुकुल की। जी हाँ, वही शो जिससे हमें हमारी सिंगिंग सेंसेशन अरिजीत सिंह मिले। बेहद अच्छा शो था, लेकिन क्यों इसका सेकंड सीजन नहीं आया, चलिए इसी पे बात करते हैं। मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है फिल्मी मोनिका। तो चलिए बात करते हैं फेम गुरुकुल की। हमारा बचपन जुड़ा है इस शो के साथ। रूपरेखा बैनर्जी, काजी तौकीर, रेक्स डिसूजा, अरिजीत सिंह, अर्पिता मुखर्जी, ये सब नाम आपको जरूर याद होंगे। बेहद अच्छा शो था। बेसिकली फेम गुरुकुल एक बहुत ही नए फॉर्मेट के साथ आया था, जहां हमें बिग बॉस और इंडियन आइडल जैसा कुछ देखने को मिल रहा था। पूरा हफ्ता बिग बॉस की तरह ही दिखाया जाता था कि कंटेस्टेंट्स कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना जिम फॉलो कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, और वीकेंड पे ये लोग परफॉर्म करते थे और फिर जजेस डिसाइड करते थे किसने कैसा गाया है। बॉटम थ्री कंटेस्टेंट्स का फेट डिसाइड करती थी जनता, और फिर किसी का शो में रहना मिलता था और किसी का पत्ता कट जाता था शो से। बड़ा ही अच्छा शो था। मैंने खुद बहुत वोट किए हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट रेक्स के लिए, और इस शो को जीता था काजी तौकीर और रूपरेखा बैनर्जी ने। जी हाँ, ये बने थे फेम जोड़ी, जबकि रेक्स डिसूजा रनर अप रहे थे। लेकिन इतने अच्छे शो के बाद भी सेकेंड सीजन क्यों नहीं आया, ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता है। और आई एम श्योर कि अगर आपने ये सीजन देखा है, अगर आपने फेम गुरुकुल देखा है, तो आप भी सोचते होंगे कि सेकेंड सीजन क्यों नहीं आया। वेल, बहुत सारी खबरें आई थी कि इस रीजन से सेकेंड सीजन नहीं आया है, इस रीजन से सेकेंड सीजन नहीं आया है। और इन तमाम खबरों में से एक खबर ये थी कि इस शो का जो पेरेंट शो था फेम अकेडमी, उनको विनर्स पसंद नहीं आए और उन्होंने इस शो के सेकेंड सीजन के लिए कॉपीराइट्स नहीं दिए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को, इसीलिए इस शो का सेकेंड सीजन आया ही नहीं। बहरहाल, ये बहुत सारी खबरों में से एक खबर है और इसके ऊपर कभी भी मेकर्स ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि फेम गुरुकुल में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था, क्या आपने ये शो देखा भी है, और कौन सी ऐसी याद है फेम गुरुकुल की जो आज भी आपके जहन में है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।